नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने एक और फंक्शन ग्रुप, अपनी एक और अल्केन के ऊपर, जो आपके पास है CH3, दिस इज़ योर इथेन। इथेन में भी आप पहले इसकी इथाइल चेन बनाए, अल्काइल चेन। आपने क्या करना है, टर्मिनल कार्बन आइटम के ऊपर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें अगर, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3CH2, और ये आपके पास एक बॉन्ड खाली है। एंड दिस चेन इज़ नाउ नोन एज टू बी योर इथाइल चेन। एंड दिस इथाइल चेन आपने इसके अंदर, लेट्स से कि आप किसी भी ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगी CH3CH2, और आपने फंक्शनल ग्रुप एज अ ब्रोमीन जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप इस इथाइल चेन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। एंड दिस चेन इज़ नाउ नोन एज टू बी, यहाँ तक ये इथाइल है, इथाइल। एंड नेक्स्ट आपके पास ब्रोमाइड जो है वो आप इसके लिए यूज़ करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड फॉर द हेलोजन दैट यू हैव इंट्रोड्यूस। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द हेलो अल्केन, बिकॉज विद एन अल्केन चेन एंड हेलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज वाई दिस इज नोन एज टू बी अ हेलो अल्केन। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप आपके उसमें, अगर इसकी आप एक और एग्जांपल भी लें, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोपेन ले लेते हैं तो वो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा या प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, लेकिन आपकी बुक में वो जस्ट यहीं तक रहे हैं, तो आप इसको इसी टॉपिक तक में दूर रखते हुए आगे चलते हैं।